नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य मुख्य खबरों की तरफ। आजमगढ़ में बीएसपी के संस्थापक कांसीराम का 27वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि उत्तर भारत में दलित चेतना को जो चेहरा आज मजबूती से नजर आता है, उसकी शुरुआत कांसीराम ने ही की थी। उन्होंने न केवल खुलकर जातियों की बात की, बल्कि दलितों और पिछड़ों को एक मंच तक लाने में सफल रहे। कांसीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर जिले में हुआ था। उन्होंने राजनीति की ऐसी रेखा खींची जो समय के साथ गहरी होती चली गई। उन्होंने खुलकर जात की बात की, दलितों और पिछड़ों को साथ में एक मंच पर लाने का नया समीकरण ही नहीं बनाया, बल्कि इसको यथार्थ में बदल दिया। मीडिया से हुई बातचीत में डॉक्टर विजय प्रताप, पूर्व सदस्य विधान परिषद ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता मिलकर एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। आज बहुजन सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर विजय प्रताप, पूर्व सदस्य विधान परिषद, आजमगढ़ का रहने वाला हूं। आजकल इधर का संगठन देख रहा हूं बहुजन समाज पार्टी का। आज के कार्यक्रम में दुनिया में सामाजिक परिवर्तन के महानायक बाम सेफ डीएस को और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब की 87वीं जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। पूरे मंडल का हमारा कार्यक्रम है। साहब के जन्मदिन के मौके पर हम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी का बूथ से लेकर के जिले लेवल, मंडल लेवल तक का संगठन मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम पूरे कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि आगामी जो पंचायत के चुनाव हैं, इसमें भाईचारा बना करके प्रधानी से लेकर के जिला पंचायत तक हम लोग कब्जा करने का काम करें, ताकि आने वाले 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी के नेता और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बना सके। किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं? हमारी रणनीति है, हम लोग पूरी टीम बैठती है, हम लोग नीचे से रिपोर्ट लेते हैं, चाहे पंचायत, चाहे प्रधान का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, हम लोग नीचे से वर्करों की राय पर अपने कैंडिडेट तय करेंगे और पूरे जिले में लड़ाने का काम करेंगे। वीकनेस है उसको कैसे मेंटेन करेंगे? कहीं कोई वीकनेस नहीं है। अब चूंकि चुनाव है, तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो साथी पार्टी से ऑथराइज होगा, जिसको समर्थन मिलेगा, मैं समझ रहा हूँ पूरा बहुजन समाज का एक एक वोट उस कैंडिडेट को पड़ेगा। सर, अगर वीकनेस नहीं है तो जो एक समय पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही बहुमत से सरकार बनाई थी और आज एकदम निम्न स्तर पर आ गई है, तो कमी तो कहीं ना कहीं है? कहीं कोई कमी नहीं। आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास कहीं कोई कमी नहीं है। हमारा संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक, अब की बार हम उसको तराश करके, धार दे करके पंचायत के चुनाव में हम लोग परिणाम देंगे, ताकि आने वाली 22 में हम लोग पुनः बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना सकें। क्या कारण है सब कुछ बड़े नेता निकलते जा रहे हैं? अब आज साहब कांसीराम साहब का जन्मदिन है, तमाम साथी हमारे साथ चले थे, लेकिन जिनमें स्वार्थ है, जो अपने तक सीमित रहना चाहते हैं, जिनको मिशन मूवमेंट समाज से मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं जो आएंगे और जाएंगे। जब जब लोग गए, बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई, कभी कमज़ोर नहीं हुई, ये लगातार सिलसिला चला है। जब जब लोग गए हैं और ताकत हमारी बढ़ी है। धन्यवाद सर।